बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुणाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो वॉइस ऑफ इस्लाम ऑफिशियल चैनल से है और वीडियो का नाम है इमोशनल बयान बाय सईद अनवर। तो ऑफिशियली ये पहला बयान होगा हमारा जो हम पहली बार सुनेंगे ब्रदर सईद अनवर का। तो सुनते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूरह फातिहा में हर इलाज है मौत के अलावा, हमारे अस्पताल क्यों इतने भरे हैं? और दिन ब दिन मुसलमानों के अस्पताल बढ़ रहे हैं, ओवरलोडेड हो रहे हैं। जब अल्लाह किसी कौम से नाराज होते हैं उनकी निशानियां बताऊं, अस्पताल बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरियां बढ़ जाती हैं और जेल्स बढ़ जाते हैं। बताएं मुसलमानों में चीजें बढ़ रही हैं घट रही हैं? आपस में अल्लाह लड़ाइयां ज्यादा कर देते हैं, पूरी दुनिया मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया छोड़ दें, मैं डिफेंस में रहता हूँ, रोजाना मुझे कंप्लेन आती हैं घरों की लड़ाइयों की। बीवी शौहर से लड़ रही है, शौहर बीवी पे जुल्म कर रहा है, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, रोजाना कंप्लेन सेंटर है मेरे डिफेंस में, हर घर में लड़ाई हो रही है। ये तो फिरकावारी, तो जबान की, तो रंग की लड़ाई, वो तो दूर की बात है। आज हर घर एक जंगल बना है, लड़ाई पे लड़ाई हो रही है। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। नंबर चार फरमाया, तुम्हें रिस्क आसान तरीन दूंगा। आज हमारा सबसे बड़ा मसला रिस्क का है। कुरान का मफहूम है, ये सारा रिस्क का निज़ाम ईमान वालों की वजह से चल रहा है। जिस दिन एक अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, अल्लाह सारी कायनात में कयामत ले आएंगे। आपने कभी दूल्हा दुल्हन को देखा है? दूल्हा दुल्हन को शादी में कोने में रो रहे हैं, क्या हुआ, हमारे खाने का क्या होगा? कोई ऐसा पागल दूल्हा दुल्हन हुए? सारे बराती दूल्हा दुल्हन की वजह से खाना खाते हैं, दूल्हा दुल्हन अपने लिए रो रहे हैं, अल्लाह हमारे खाने का क्या होगा। आज ये दूल्हा दुल्हन कायनात के हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया रोजी लेती है, आज वो रोजी के लिए पूरी दुनिया में ख्वार बने। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, मुर्गा मुर्गी और चूजे थे तीन, वो मालिक उनको प्लेट में खाना देता था, वो कुट 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 करके वो आराम से 10 मिनट में खाना खा के अपने काम पे लग जाते। मुर्गा मुर्गी ने काम छोड़ा और मालिक से पंगा लिया, मालिक ने यूं फेंका, दफा हो जाए यहाँ से, और 8-10 घंटे में वो दाने खा रहे हैं टुक 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 टुक। आज हम सबके साथ यही हो रहा है। मुर्गी बेचारी यहाँ कराची में कुड़ कुड़ कर रही है, मुर्गा एक दुबई में बैठा है, एक चूजा जापान में, एक चूजा चाइना में। अल्लाह ने रिस्क को फैला दिया, सारा खानदान तोड़ दिया इस रिस्क के लिए। तो अल्लाह कह रहे हैं आसान तरीन हयात तैयबा, पुरसुकून जिंदगी, बेखौफ जिंदगी, आसान तरीन रोजी, रिस्क करीम, दुआओं की कबूलियत और लोगों में मोहब्बत डाल दूंगी। पांच चीजें हयात तैयबा कहते हैं, पूरी मखलूक तुमसे मोहब्बत करेगी। आज मेरे प्यारो सच बात है, बीवी कंप्लेन कर रही है शौहर मोहब्बत नहीं करती, शौहर कंप्लेन कर रहा है बीवी मोहब्बत नहीं करती, माँ बाप कंप्लेन कर रहे हैं औलाद मोहब्बत नहीं करती, औलाद कंप्लेन करती है माँ बाप मोहब्बत नहीं करते। हमें आज मोहब्बत कोई नहीं करता, पड़ोसी हमसे तंग, जहाँ मुल्क में जाते हैं वो मुल्क वाले हमसे तंग हो जाते हैं। और अल्लाह ताला मेरे प्यारो हम मोहब्बतें डालेंगे। मैंने आपको अपना वाकया सुनाया, मेरा क्या वास्ता था उन पुलिस वालों से, जुनेद और मेरे कितने, हम एक दफा अमरीका गए, जुनेद और मैं, हमारे साथ साथ दो लड़के थे वहीं के, न्यूयॉर्क के, उन्होंने बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल के कपड़े पहने और मुंह पे एक ताला सा लगाया था, जो दाढ़ी ये नहीं लगाते ऐसे, वो लगाया था और यहीं की कैप उल्टी की थी। जब अमेरिकन ऑफिसर ने उनको देखा, उन्होंने कहा व्हाट द हेल यू गाइस डूइंग हियर, ऐसा डांटा, वो डर गए। मैं और जुनेद भी घबरा गए। जब उन्होंने हमारी शक्लें देखी तो कहा आई ओके गाइस, वेयर व्हाई आर यू हियर? उन्होंने हमसे सवाल, जुनेद ने कहा भाई हम फिंगरप्रिंट से, उनका फॉलो अस, अंदर कमरे में ले गए, वहाँ बिठाया, कॉफी खोली, कहा तुम क्यों आया? जुनेद ने मेरा तारुफ कराया, मैंने जुनेद का कराया, उन्हें नेट पे हमारे नाम देखे, उनसे 1.25 घंटा इस्लाम सुना है। मेरे प्यारो अल्लाह मोहब्बत डालेंगे, लेकिन शर्त है पहले हम वो मोमिन बने, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मर्द या औरत हो अगर जो भी नेक अमल करेगा, आज हम माशाल्लाह नेक अमल कर रहे हैं लेकिन ईमान के बगैर कर रहे हैं। अगर हम एसी लगा दें बगैर बिजली के तो बताओ एसी क्या करेगा मेरे प्यारो? आज हम फ्रिज ऑन कर रहे हैं बगैर बिजली के, हमारा मसला है, हम माशाल्लाह नेकियां कर रहे हैं, कोई अस्पताल बना रहा है, कोई चैरिटी का काम कर रहा है, कोई नमाजें पढ़ रहा है, कोई रोजे रख रहा है, लेकिन आगे शर्त लिखी है मोमिन की। अगर हम ये कुरान से समझ लें मोमिन क्या होता है, तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा, हमें हयात तैयबा देगा। अल्लाह सूरह हुजरात में एक वाकया बताते हैं कि देहातियों की एक जमात आई और आके कहा या रसूलल्लाह हम ईमान वाले बन गए हैं, तो अल्लाह ताला ने फौरन कुरान उतारा, ए मेरे नबी इनसे कह दीजिए अभी तो सिर्फ ये मुसलमान हुए, अभी ईमान इनके दिल में घुसा रचा नहीं है। तो अल्लाह ने खुद बताया, हम आपको बताते हैं ईमान वाले कौन होते हैं, मोमिन का उनमें चार सिफात होती हैं,
अल्लाह पे पूरा ईमान, अल्लाह के साथ ताल्लुक बेहतरीन होता है। नंबर टू, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इत्तबा होती है। नंबर थ्री, जो भी हालात आ जाए इन चीजों से हटते नहीं, ना अल्लाह को छोड़ते हैं ना नबी की जिंदगी को छोड़ते हैं, इस पे डटे रहते हैं। नंबर चार, ये अपने जान माल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलते रहते हैं। फरमाया ये मोमिन है, ये है सच्चे अपने ईमान में। ये चार काम मुसलमान कर ले। पहला काम क्या कर ले? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अल्लाह से अपना मामला ठीक कर लेता है, तमाम मखलूक से अल्लाह इसका मामला ठीक कर लेता है। शूट था ये, कंप्लीट नहीं था। हाँ जी, तो बहुत कुछ बताया गया है और काफ़ी कुछ समझाया है इन्होंने। एक जो कहानी बताई वो वाली, मुर्गा मुर्गी और चूजे वाली, कि हमने मालिक के साथ रह रहे थे और उनका मालिक हमको खाने के लिए देता था, तो एक प्लेट में दाना देता था, तो तीनों माँ मुर्गा मुर्गी और उनका चूजा तीनों मिलकर एक जगह पर खाते थे हैं और चलते रहता था। उसके बाद हमने काम पर लेके जाते, तो फिर उनको सूझा कि पता नहीं क्या सूझा उन्होंने, मुर्गे ने एक तरह से मालिक से पंगा ले लिया, तो मालिक ने सबको उठा के बाहर फेंक दिया। तो ऐसा हो गया कि रोजी के लिए मुर्गा कहीं और, मुर्गी कहीं और चूजा कहीं और, कि पेट तो पालना है, खाना है कुछ ना कुछ। तो ऐसे एग्जांपल दिया थे, कोई बंदा पाकिस्तान में, कोई बंदा दुबई में, कोई बंदा अमेरिका में, कोई बंदा जापान में, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर। तो हर कहीं घर के चार लोग, बिल्कुल कहीं और पापा, तो इतना ऐसे हालात हो रहे हैं कि साथ में बैठ के खाना तक नहीं खा सकते। कभी किसी की सुबह है तो कभी किसी की शाम है, कभी किसी की रात है तो कभी किसी का दिन है, टाइम ही नहीं मैच हो रहा आपस में, और कितना दूर दूर है। तो एक दूसरे की शक्लें ढंग से देख नहीं पा रहे, साथ में नहीं रह पा रहे, तो ऐसा पैसे का किस काम का ऐसा पैसा? टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए आजकल। बिल्कुल, पहले ज़माने में क्या होता था कि घर के अंदर चार लोग अगर थे, या चार या पांच जितने भी थे, उनका आपस में रहना ही बहुत सही रहता था। मतलब कोई कहीं जाता भी था तो बाकी के लोग उसके लिए रो रहे होते थे कि मत जाओ, आज बहुत खुशी खुशी बाहर भेज रहे होते हैं, अब जाओ। ये होता है, पहले बहुत ज़्यादा प्यार था एक दूसरे के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार था कि अब रह नहीं सकते थे एक दूसरे के लिए। लेकिन जो अब का है तो वो ये बोलते हैं कि ठीक है आप जाओ और कमा के लाओ, बिल्कुल निकलो, जैसा हो सकता है। मतलब कोई इन फ्रंट ऑफ तो बोलता नहीं है, लेकिन आपके मन में तो चीज़ें यही होती हैं। उस लेवल का प्यार बिल्कुल भी नहीं रह गया, जस्ट जैसे फॉर्मेलिटी करते हैं ना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, या ये मेरे फादर है, ये मेरे मदर है। माँ बाप के लिए फिर भी प्यार होगा अपने बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे हैं उनका एज अ माँ बाप के प्रति कोई प्यार नहीं है, जैसे पहले ज़माने में बच्चों का होता था अपने माँ बाप से प्यार। और एक चीज़ बताई कि अल्लाह को मानो, नबी को मानो, हैं, और आप अपने पास जो भी पैसा है, दौलत है, उसे सही जगह लगाओ, सही चीज़ों पर लगाओ। ये लास्ट में उन्होंने कहा था ना कि कुछ चार चीज़ें हैं जो मुसलमान चार चीज़ें फॉलो करता है। नबी के पास भी कुछ लोग आए, वो कह रहे हैं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह ने वही दी थी कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर तो लिया, बट अभी ये सच्चे मुसलमान नहीं बने। वो बनने के लिए आपको पहले अल्लाह को मानना पड़ेगा, मतलब पूरा और दिल से मानना पड़ेगा, नाम का नहीं, दिल से आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा, अल्लाह से कनेक्ट होना पड़ेगा, मोमिन होना पड़ेगा। वर्ड ले रहे थे मोमिन, हाँ, मतलब जो ईमान ले आता है, सच्चा ईमान। और नबी को आपको मानना पड़ेगा, नबी की बताई हुई चीज़ों पर चलना पड़ेगा, कुरान और हदीस के हिसाब से आपको ज़िंदगी स्पेंड करनी पड़ेगी, आपको पांच टाइम की नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, रोज़े की टाइम रोज़ा रखना पड़ेगा, हैं, और ज़कात देनी पड़ेगी, और जो जो भी चीज़ें हैं सब कुछ करनी पड़ेंगी। और एक दो चीज़ और बताई थी, वो मेरे ध्यान में क्या था और क्या बताया था, ऑलमोस्ट यही होता है। और एक अपने माल का बताया था कि अपने जो आपके पास माल है उसका हलाल होना चाहिए, वो हराम नहीं होना चाहिए। तो हराम से अगर आप कितना भी कमाओ, कम कमाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, हराम का माल होना वो पचेगा नहीं ज़्यादा। तो हलाल का माल कमाओ, भले ही कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा था वीडियो। मतलब वैसे मेरे दिमाग से एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जैसे आजकल मोस्टली सब लोग ही वेस्टर्न चीज़ें ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो क्या आप जैसे इस्लाम में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि अल्लाह के दीन पे चलना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, तो जिस तरह से आजकल चीज़ें एडवांस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है,
तो अभी जो आप लोग हैं मतलब मुसलमान लोग सारे, तो वो क्या इतने अच्छे से दीन फॉलो करते हैं, मतलब इस्लाम को प्रॉपर फॉलो कर पाते हैं? मेरे हिसाब से उसमें ऐसा हो रहा है कि ना जो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज़ करते हुए दीन की तरफ, जैसे कि 10-15 साल पहले लगा लो लैपटॉप फ़ोन इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब भी ईमान था। आज लैपटॉप फ़ोन इनका कॉन्सेप्ट है तब भी ईमान है। आज से 20 साल बाद कुछ ना कुछ नया आ जाएगा तब भी ईमान होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम इंसानों की ज़िंदगी सुधारने के लिए हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों का यूज़ करके हम अपना काम कर लें। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पास फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, उसी में कुरान खोली या उसी में हदीस खोली पढ़ ली, तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है। हाँ, तो जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होगी तो हमारी लाइफ अच्छी होती रहेगी, बट मुद्दा ये है कि हमें दीन की तरफ उस टाइम ज़्यादा रहना चाहिए, दीन से हटना नहीं चाहिए। नहीं, जैसे इन्होंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि जैसे अल्लाह अगर आप नाराज़ हैं या उनको किसी बात का हमारा अच्छा नहीं लग रहा, तो वो जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा भरने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। मतलब अब जैसे एक घर में चार लोग हैं तो वो एक कहीं है, दूसरा कहीं है, तीसरा कहीं है, चौथा कहीं है, तो अब ये चीज़ें होने लग गई हैं। तो इट मीन्स ईमान वाले लोग भी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे या दिल से दीन नहीं रख पा रहे अपना। हाँ, इन्होंने स्टार्टिंग में बताया भी काफ़ी जगह मुसलमान ही आपस में लड़ रहे हैं और हॉस्पिटल भर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल तो वाकई में हॉस्पिटल भर रहे हैं। बिल्कुल, अब पता नहीं रियलिटी है नहीं है या ऐसे ही मीडिया में दिखाया गया है, बट दिखाते तो यही है कि इतने सारे हॉस्पिटल भर रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बट पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो चलते हैं गाइस, वॉइस ऑफ इस्लाम ऑफिशियल चैनल से थी ये वीडियो। आप इनके चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, इनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।